हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं किसको देख रही हूँ, ये देख सकते हैं, मैं तो बैठा हुआ है किचन में और यहाँ पर बन रहा है खाना और हस्बैंड जी बना रहे खाना, मतलब मैं हम तीनों मिल के बना रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? तो वैदू जो है नमक दे रहा है पापा को। तो वैदू आज ना देखेगा कि कैसे बन रहा है खाना और कैसे पापा खाना बना रहे हैं, है ना। वो टेस्टिंग के लिए बैठा रहे हैं हमने। तो यहाँ पर जो है चावल, ठीक है, दाल, इसमें दाल उबालने को लिए रखी। दाल क्या है इसमें? चावल इसमें क्या है? अच्छा, आपने रखा और आपको पता नहीं है? वाह रे वाह। तो दोस्तों कढ़ाई में पता नहीं क्या जो टमाटर फ्राई हो रहा है फिलहाल। तो वैदू और मैं बैठे हुए हैं, कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, मैं तब तक उसको धो लेती हूँ, क्योंकि साथ में अगर मिलके खाना बनाया तो काफ़ी अच्छा होता है फैमिली वाले, है ना। हाँ, और आप क्या कर रहे हो? वो तो देख रहा है खाली। मैं है सरप्राइज, क्या दिखाओ। ओ मैक्रोनी, तो मैक्रोनी उबाल दिए। मैक्रोनी बना रहे हो क्या अभी? मुझे लगा कि हम लोग दाल चावल बना रहे हैं, क्योंकि मैंने जो है ना मिक्स दाल भिगो के रखी है, क्योंकि मैं आज दाल फ्राई बनाने वाली हूँ। और वैदू के काम देखो आप। तो वैदू ना उठ चुका है, क्योंकि मैंने इसे अभी सुलाया था, उठ गया। इसको ना वैक्सीन से थोड़ा सा फीवर आया है, तो उसको जो है 6-6 घंटे में दवाई पिलानी है। वो पैरासीटामोल दी है, लेकिन अभी थोड़ा सा ना ऐसा होता है कि फीवर आने का थोड़ा सा परस्त हो गया ये, तो अभी ये उठ चुका है। और मैंने इसको अपनी गोदियाँ पड़ा हुआ, काफ़ी बुखार आया है। और यहाँ ना इतनी तेज हवा चल रही है ना, क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत तेज हवा चल रही है ना, आपको बाहर नहीं लेके जाना है, है ना। इसको ना मैं कैप भी बनाती हूँ, और सॉक्स तो मैंने पहनाए थे, लेकिन ये इसमें ना निकाल दे रहा है, ये खींच दे रहा है। और अभी हमारा जो है चावल और दाल बन रही है। अभी हम लोगों ने मैक्रोनी खाई है, लेकिन भूख लग जाती है, क्योंकि थोड़ा सा ही बनाई थी मैक्रोनी। तो वैदू के लिए भी मैं थोड़ा सा रोटी बनाऊंगी, क्योंकि वैदू को भी कुछ खिलाना हुआ है कुछ ना कुछ दिन में। तो वैदू फिलहाल परस हो गया, बुखार आ गया ना वैक्सीन से, ठीक हो जाएगा बेटा। हाँ ठीक हो जाएगा। हाँ हेलो बोल दो दोस्तों को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हवा की तेज रफ्तार। आप देख सकते हैं यहाँ ना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु साइड जो है एक साइक्लोन आता है, जिसका नाम है माइचोंग। तो मतलब 4 या 5 दिसंबर तक अलर्ट जारी कर रखा है, इतनी तेज़ तूफान आ रहा है और मौसम भी ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, ये देखो पेड़ कितने ज़्यादा हिल रहे हैं बिल्कुल। आज तो ना बाहर जाने लायक मौसम नहीं हो रहा। वैदू को तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि अलर्ट जारी कर रखा है 4 दिसंबर कहीं न्यूज़ में तो 4 दिसंबर दिखा रहे, कहीं न्यूज़ में जो है 5 दिसंबर दिखा रहे, लेकिन ना कल से ही मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। इस पेड़ की रफ्तार, इस पेड़ की तेज़ हवा की रफ्तार से आपको पता चल रहा होगा कितना ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं, ये देख सकते हैं। वो देखो पेड़ की टहनी टूट रही है। तो दोस्तों ये मेरी बनाई है दाल फ्राई, और ये है चावल, और ये है सबसे मेन आम का अचार और मिर्च का अचार। आम का अचार मेरे लिए है और हस्बैंड भी खाएंगे, और यह है मिर्च का अचार स्पेशली हस्बैंड के लिए। बैठ चुका है, ये देख सकते हैं, खाना खाने के लिए। इसको ना फीवर है, तो मैं इसको चावल नहीं खिलाऊंगी, थोड़ा बहुत दाल खिलाऊंगी इसको मैं बस आज। देखूंगी और रोटी खाएगा तो रोटी बनाऊंगी, वरना दाल खिला दूंगी। बुखार में जितना परहेज है ना, तो वो दाल चावल खाने के लिए जल्दी आ रहा, आगे नहीं खिलाएंगे आपको, सिर्फ दाल खिलाएंगे बेटा आज। वाह गर्मा गर्म चावल, और आपका मिर्च का अचार, मिर्च का अचार के बिना तो आप खाते नहीं हो। देखो थाली में लगाया खाना नहीं, तो वैदू आया नहीं, मेरे लिए भी डाल दो ना, बस मैं खुद डालूंगी, है ना। ओके डाल रहे हो तो डाल दो, कभी पत्नी को भी परोस देना चाहिए खाना, है ना। ठीक है आज पत्नी को भी परोस दो, वैदू को भी खिलाऊंगी मैं दाल। बुढ़ापे में परोसेंगे भी, तुम परोस दो बुढ़ापे का टाइम है अभी,
टाइम है बुढ़ापे का भी। अब बताओ कैसा बनाया है खाना? दाल और चावल कैसे बने? मेन है दाल, दाल कैसी बनी ये बताओ पहले मुझे। भैया को तो पसंद आ रही है दाल, पसंद आ रही है, और खिलाना है आपको? और खिलाओ कह रहे हैं दाल, देखो वो और खिलाओ कह रहे हैं दाल। ये दाल ऐसे लग रही है जैसे कि गुजरात की लचकू दाल बनाई हुई। गुजरात की लचकू दाल? मैंने पहली बार सुन रही हूँ गुजरात में लचकू दाल। मुगलई दाल सुनी है? नहीं। मैं मुगलई दाल मतलब क्या क्या दाल में मिक्स करा? जो भी है दाल आपको अच्छी लगी ना। हाँ। देखो गरम करके ढक्कन में हाथ लगा दिया उसने। गरम हो रहा है वो बेटा, और फिर रो रहे हो, और पकड़ना भी आपको वही है, उसको वही चाहिए अभी। तो दोस्तों अब हम ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और हम आपसे मिलेंगे एक अच्छे से चटपटे ब्लॉग के साथ। तो वैदु भी मेरे साथ बोला है दोस्तों, आप देख सकते हैं वैदु के फेस पे और मेरे फेस पे ना थोड़ा सा लाइटनिंग पड़ी है क्योंकि यहाँ पे सामने खिड़की है तो उसकी जो उजाला है वो सीधे फेस पे पड़ रहा है तो इसलिए थोड़ा सा चमक सी आ रही है। तो दोस्तों ना वैदु को ना फीवर है लेकिन थोड़ा सा ना पसीना सा हो रहा है, मुझे लग रहा है इसका फीवर उतर रहा है। तो दोस्तों खेल खिलाने के लिए मुझे इसे कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग जो है यहीं पर ही हम लंच टाइम पे ही एंड कर रहे हैं क्योंकि जो है आज हस्बैंड के साथ ही ब्लॉग शूट हुआ है थोड़ा बहुत। तो दोस्तों हम आपसे मिलेंगे एक अच्छे से चटपटे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ढेर सारा प्यार देना इस चैनल को। बाय बाय बोल दो। हाँ।